अगर भक्ति का सैलाब आएगा तो वह बड़ी सहजता के साथ आपकी सभी बाधाओं और सीमाओं को अपने साथ बहा ले जाएगा। इस देश में, धरती की इस पुरानी सभ्यता में प्रतिभा बुनियादी रूप से शिक्षा की देन नहीं बल्कि भक्ति की देन रही है। महान वैज्ञानिक, डॉक्टर और गणितज्ञ जैसे सभी लोग ऊंची कोटि के भक्त थे, क्योंकि भक्ति में आप समावेशी हो जाते हैं। समावेश में आपसे परे कुछ नहीं होता। इस देश में, धरती की इस पुरानी सभ्यता में प्रतिभा बुनियादी रूप से शिक्षा की देन नहीं बल्कि भक्ति की देन रही है। भक्त होने का मतलब है बोध और विवेक के एक ऐसे आयाम पर पहुंचना जहां आप दिव्यता की संभावना को निमंत्रित करते हैं। भक्त कभी हीरे जड़ित सिंहासन पर नहीं बैठता और नहीं वह कभी उसकी कामना करता है। उसकी एकमात्र कामना ईश्वर की गोद में बैठने की होती है। उसकी कामना कहीं पहुंचने या जाने की नहीं होती। कोई भी इंसान सारी सृष्टि के बारे में अपने मौलिक बोध को बदल कर ही ईश्वर की गोद में बैठ सकता है। यह कोई यात्रा नहीं है जिसे तय करके कोई वहां पहुंच सकता है। भक्ति इंसान के भीतर मौजूद सभी सीमाओं को तोड़ने का एक जबरदस्त साधन है। ये सीमाएं चाहे मनोवैज्ञानिक हो, भावनात्मक हो या फिर कार्मिक। अगर भक्ति का साधना सैलाब आएगा तो वह बड़ी सहजता से इन सभी बाधाओं और सीमाओं को अपने साथ बहा ले जाएगा। जबकि नियमित साधना के जरिए इन सीमाओं को हटाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जो साधना तीव्र भक्ति की अवस्था में की जाती है उससे आप उन सारी सीमाओं को बहा सकते हैं जो आपने अपने भीतर बना रखी है। अगर आप एक खूबसूरत गुलदस्ता देखते हैं तो यह जानने की सहज इच्छा होती है कि इसे किसने बनाया है। आप एक खूबसूरत कलाकृति देखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से जानना चाहेंगे कि उसे किसने बनाया है। अगर आप एक खूबसूरत बच्चा देखते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि इसके माता पिता कौन है। लेकिन आश्चर्य यह है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस सृष्टि की सबसे बेहतरीन रचना इंसान के बारे में सवाल पूछते होंगे कि इसका रचयिता कौन है। बल्कि आपके पास इसके रेडीमेड जवाब होंगे। भक्ति कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। भक्ति आपको वहां ले जाने का एक साधन है। भक्ति कोई निष्कर्ष नहीं है जो इंसान निकालता है। भक्ति इन सारे निष्कर्षों से परे जाने का रास्ता है। भक्ति उस सैलाब को तैयार करने का एक तरीका है जो अनुभवों की सारी सीमाओं से परे आपको बहा ले जाता है। अगर आपने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो आप न सिर्फ खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे बल्कि अपने आसपास के पूरे स्पेस को भी शुद्ध कर पाएंगे। इससे देश और दुनिया को जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। भक्ति कोई हफ्ते दो हफ्ते का काम नहीं है। आपको अपने रोजाना के जीवन में इसे लगातार बहने देना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं, ये वह चीज है जिसे आप जीते हैं या आपकी सांस की तरह होती है। तमिलनाडु सरकार का प्रतीक एक मंदिर है। उन्होंने इस प्रतीक को इसलिए चुना क्योंकि यह भूमि भक्ति में इतनी सरोबार है कि आप कहीं भी जाए आपको हर जगह मंदिर जैसा महसूस होगा।
क्योंकि भक्ति यहाँ के लोगों के जीवन का मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ लोगों ने सबसे पहले विशाल मंदिर बनाए और फिर उन्होंने अपने रहने का इंतजाम किया। उन लोगों ने एक शानदार मंदिर बनाने में अपनी 2 से 3 पीढ़ियां लगा दी और तब तक वे खुद कच्चे मकान या झोपड़ी में रहे। उन्होंने अपने रहने की परवाह नहीं की क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण चीज कृपापूर्ण स्थान को तैयार करना और सब लोगों को उसका हिस्सा बनाना था। अब समय है कि इस संस्कृति को इस भूमि में एक बार फिर से लाया जाए, नहीं तो भक्ति से खाली होकर हम लोग भी दूसरे प्राणियों जैसे हो जाएंगे। तब हमें लगेगा कि हम यहां क्यों है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक काम करने वाला दिमाग होगा तो खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने और एक दिन मर जाने की यात्रा में कभी ना कभी एक दिन आपके भीतर से यह सवाल उठेगा, आखिर मैं यहां क्यों हूं। अगर आप पूरी तरह से असंवेदनशील तरीके से रहते हैं तब आपके भीतर इस तरह के सवाल की संभावना नहीं होगी। आप भी दूसरे जीवों की तरह जिएंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि काम कर रही होगी तो आपके भीतर ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है कि मैं अपने साथ कर क्या रहा हूं, आखिर मेरे अस्तित्व की प्रकृति क्या है। भक्ति एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। ये एक ऐसा बुलडोजर है जो आपके भीतर मौजूद सारे विरोधों को गिरा देता है। भक्ति से सारी चीजें एक हो जाती है। अगर एक जगह आप पूरी तरह से भक्तिमय है और बाकी जगह आप भक्तिमय नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप कपटी है। अगर आप सचमुच भक्ति में है तो आप जीवन के हर पल में दुनिया की हर चीज के साथ भक्ति में रहते हैं। भक्ति से खाली हृदय बंजर जमीन की तरह होता है। ऐसे हृदय को आनंदमय बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जो हृदय भक्ति से भरा हुआ है वह एक उपजाऊ जमीन की तरह है। ऐसा हृदय स्वाभाविक तौर पर आनंद मग्न होगा। हमें भक्ति की एक लहर की जरूरत है। अगर आप भक्ति में डूबे हुए हैं तो परम आनंद की स्थिति सहज रूप से घटित होगी। कृपया इसे अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए संभव बनाए, साकार करें। अगर आपने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो आप न सिर्फ खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे बल्कि अपने आसपास के पूरे स्पेस को भी शुद्ध कर पाएंगे। इससे दुनिया को जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। भक्ति कोई हफ्ते 2 हफ्ते का काम नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में इसे हरदम बहने दीजिए। धन्यवाद।